कर रंधावा एनी सॉन्ग नॉट रिलीज इन लवर मूवी वॉइस। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्यों नहीं आया कर रंधावा का एक भी सॉन्ग लवर मूवी में। सो लेट्स फॉर वीडियो चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि कर रंधावा का न्यू सॉन्ग लवर मूवी में आएगा, बट हमको ये नहीं पता था कि केवी दिलो ने पूरे के पूरे बॉलीवुड को ही बुला लिया। एंड बने आपको ये भी आप जानते होंगे कि गुरी का भी कोई सॉन्ग हमको इस मूवी में देखने को नहीं मिल रहा। सो आई थिंक आप ये भी जानते हैं। सो ऐसा क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो कर रंधावा का न्यू सॉन्ग हमको इस मूवी में देखने को नहीं मिला? एक से दो रीज़न है। सो चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है ऑल बॉलीवुड। सो इसका आंसर मैं चलो आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आपने लवर मूवी का 7 सॉन्ग्स देखा होगा, उसमें ओनली ऑन आपको बॉलीवुड सिंगर्स ही नजर आएंगे। लाइक जस मानक ने भी बॉलीवुड में कई सारे सॉन्ग्स दे चुके हैं, सचिन टंडन, आतिफ असलम, नूरन सिस्टर्स, राहत अली खान, ऐसे कई सारे मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर्स ही हमको इस मूवी के सॉन्ग्स पे देखने को मिल रहा है, ना कि पंजाबी सिंगर। एंड केवी दिलो ने यही सोचा होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि केवी दिलो ने सिंगर्स पे बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। एंड सो केवी दिलो ने ओनली ऑन ओनली बॉलीवुड को ही बुलाया, यानी कि आपने इतने सारे सिंगर्स देखे होंगे जो कि ओनली बॉलीवुड के हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि केवी दिलो ने यही सोचकर कर रंधावा को नहीं लिया होगा, क्योंकि ओनली वो हिंदी ऑडियंस को ही लाना चाहते थे एंड उन्होंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग्स पे पैसे भी उड़ाए हैं। सो मेरे कहने का यही मतलब है कि केवी दिलो ने ओनली ऑन बॉलीवुड सिंगर्स को इस सॉन्ग्स पे लिया है। सो मुझे यही लगता है कि कर रंधावा को इसी वजह से उन्होंने नहीं लिया होगा, क्योंकि वो हिंदी ऑडियंस के साथ काम करना चाहते थे इस सॉन्ग्स पे एंड इसी वजह से उन्होंने ज़्यादातर पैसे भी उन पे ही खर्च किए हैं। एंड इसी वजह से कर रंधावा को उन्होंने इस सॉन्ग्स पे नहीं लिया, यानी कि इस जो मूवी था उसके सॉन्ग्स पे कर रंधावा को नहीं लिया होगा। सेकेंड कारण ये भी हो सकता है कि बिजी एंड रिसेंटली सॉन्ग, यानी कि आपको पता होगा कि कर रंधावा का रिसेंटली में ये एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है मेरे वर्ल्ड। सो जैसे कि आपको पता होगा कि कर रंधावा का न्यू सॉन्ग मेरे वर्ल्ड रिलीज हुआ है, वो भी 1 मंथ हुआ है। सो ऐसे में बोला जा सकता है कि कर रंधावा का भी न्यू सॉन्ग रिसेंटली रिलीज हुआ है। सो इसमें उनका न्यू सॉन्ग नहीं आया होगा, बट वो बिजी भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास भी अभी नेक्स्ट सॉन्ग करने के लिए अभी वो बिजी हो सकते हैं, यानी कि कुछ बड़ा भी कर सकते हैं कर रंधावा, इसलिए वह इस मूवी में फीचर नहीं हुए होंगे। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट से जरूर बताना, बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। बाकी इसमें मैं करण के रिलेटेड कोई भी हेट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं जो रीजन है वही बताऊं। सो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब।